मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न दलों ने अपने संगठन के ढीले पैंचों को कसना शुरू कर दिया है। भाजपा में बड़े फेरबदल की तैयारियां तेज हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को बताया कि भाजपा उन जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी और कुछ प्रभारी मंत्रियों को बदलने के लिए तैयार है, जहाँ पार्टी की विकास यात्रा के दौरान बेहद खराब प्रतिक्रिया देखी गई थी। सदन रहे विकास यात्रा के दौरान दो दर्जन से अधिक स्थानों पर भाजपा नेता और मंत्रियों को कुशासन और सरकारी लाभ नहीं मिलने की शिकायतों के साथ स्थानीय लोगों के गुस्सा का सामना करना पड़ा था। भले ही भाजपा नेता स्थानीय लोगों के गुस्से की खबरों को यात्रा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की साजिश बता रहे हों, लेकिन पार्टी ने 27 और 28 फरवरी को एक आंतरिक आकलन कराया था। भाजपा ने अंदरूनी सर्वेक्षण में आकलन में पाया कि कुछ नेता अपने काम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भाजपा लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं करेगी, वह विकास यात्रा को सफल बनाने वाले नेताओं को इनाम भी देगी। एक वरिष्ठ भाजपा के नेता ने बताया कि विकास यात्रा को सफल बनाने वाले भाजपा नेताओं को सरकार के विभिन्न निगमों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाएगा। सूबे में नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। भाजपा सूत्रों ने बताया कि जिला अध्यक्षों को बदले जाने की सूची समेत मंत्रियों के प्रभार में बदलाव और नई नियुक्तियों की लिस्ट भोपाल और दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को भेजी गई थी। इस लिस्ट पर वरिष्ठ नेताओं ने अपनी मंजूरी दे दी है। फिलहाल जो यह खबर है वो हमने सूत्रों के हवाले से खबर दिखाई है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ऐसी हलचल आए दिनों मची रहती है। आज इसी के साथ राजनीतिक यह खबर थी। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज शिवराज सिंह चौहान को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।